वायरल बुखार से पीड़ित तमाम मरीजों की हालत इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। इसका कारण भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। नगर के बाद में खुले स्थान पर हो रहे जल भराव में मच्छर के लार्वा पैदा हो रहे हैं। इससे मच्छर पनप रहे हैं और मलेरिया विभाग के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही आम जनता की जान पर भारी पड़ रही है। अस्पताल में इन दिनों ओपीडी में मलेरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा है। नगर के मलेरिया का प्रकोप इस कदर हावी है कि हर घर में 2 से 4 मरीज मलेरिया से पीड़ित हैं। वहीं नगर परिषद इंदरगढ़ के सभी 15 वार्डों में वर्षा और घरों से निकलने वाले गंदे पानी का भराव देखा जा सकता है। साथ ही जगह जगह गोबर के बड़े बड़े गहरे गड्ढे देखे जा सकते हैं और इन्हीं स्थानों पर गंदगी में मच्छर पैदा हो रहे हैं। साथ ही साथ उनसे लार्वा पैदा होकर मच्छरों को जन्म देते हैं, जिससे जनता को मलेरिया जैसी बीमारी से 2-4 होना पड़ता है। मलेरिया की बढ़ती बीमारी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का नतीजा है। इन दिनों बदलते मौसम के कारण मच्छर पैदा होकर सीधे सीधे आक्रमण बच्चे, बूढ़े और गरीबों पर ज्यादा कर रहे हैं। यही कारण है कि मलेरिया जैसा जानलेवा बुखार से गरीब और मजदूर वर्ग ज्यादा पीड़ित है, लेकिन जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ना तो जगह जगह जमा पानी निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं और ना ही जमा गंदे पानी पर जन्म ले रहे लार्वा को मारने के लिए दवा का छिड़काव कर रहे हैं। शायद प्रशासन को इंतजार है कि मलेरिया बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ने और स्थिति बिगड़ने के बाद ही नगर में दवा छिड़काव करने का इरादा है। स्वास्थ्य विभाग की मलेरिया शाखा मच्छर और उनके लार्वा को मारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है और पूरी तरह कुंभकर्णी नींद में सोया है।